हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस चैनल। आपका सिविल रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए और कोई भी अगर एक्सेल फाइल चाहिए और एक्सेल के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो और फोटोशॉप और ई टेंडर्स के बारे में कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरिफाई कर लूँगा। और आपको कोई भी अगर वीडियोज़ चाहिए किसी का रिलेटेड, वो भी मैं डाल दूंगा। अगर मेरे चैनल का जो कोई भी अगर कंटेंट्स आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मोबाइल पर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब करके उसके बाद यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है आपके आते रहेंगे, ठीक है। अब आइए आज जो वीडियो में जो देखेंगे एमएस आउटलुक कैसे सेट करेंगे, जो सेटअप जो करेंगे उसमें स्टार्ट में चला जाएगा। जो एमएस आउटलुक का जो मेन एडवांटेज है, इस वीडियो को मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। जो एमएस आउटलुक है इसमें जाके स्टार्ट में जाके आउटलुक डाल दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, उसमें क्लिक कर लीजिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगा, इसमें नेक्स्ट कर लीजिएगा और इसमें यस क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिएगा। और ईमेल अकाउंट और यहाँ मैनुअल होगा तो मैनुअल सेटअप करके इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें POP और IMAP कर लीजिएगा। इसमें जो यूजर नेम है इसमें अपना नाम डाल दीजिएगा, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। और जो ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जो POP थ्री का जहाँ पे IMAP क्लिक कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनकमिंग जो मेल सर्वर है उसमें imap.gmail.com, क्योंकि इसमें imap@ नहीं है, .gmail है और उसके बाद .com है, वो ध्यान रखिएगा। और इनकमिंग मेल सर्वर में imap आ जाएगा, आउटगोइंग सर्वर में smtp आ जाएगा, smtp.gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड यहाँ पे है तो पासवर्ड में डाल देता हूँ अपना, यहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद जो मोर सेटिंग्स में चलिएगा, यहाँ पे इसमें आउटगोइंग सर्वर में माई आउटगोइंग सर्वर SMTP रखकर ऑथेंटिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा। और एडवांस में जाके जो इसमें यूज़ द फॉलोइंग टाइप इनक्रिप्टेड कनेक्शन और यूज़ द फॉलोइंग टाइप इनक्रिप्टेड कनेक्शन, मतलब इनकमिंग में आप कर लीजिएगा SSL और आउटगोइंग में कर लीजिएगा TLS। यहाँ पे 993 डिफॉल्ट आ गया और यहाँ पे एक 587 कर लीजिएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट मेल आईडी के लिए ये जो वैल्यूज है वो चेंज होता है। यहाँ पे ओके कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करनी है कि यहाँ पे एक नेक्स्ट करनी है, उससे पहले यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिएगा, अभी लोड हो रहा है, ठीक है। लोड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आपको भी अगर थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद अगर 30 सेकंड्स में भी लगेंगे इसमें, भी आ गया। जैसे कि लॉग ऑन टू इनकमिंग मेल सर्वर IMAP कंप्लीटेड हो गया और सेंड टेस्ट ईमेल मैसेज इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो वेट कर लीजिएगा, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर लीजिएगा, यहाँ पे फिनिश कर लीजिएगा। अभी आपका एक आउटलुक जो सेटअप हो चुका है, ठीक है। इसमें आप जाके अभी एक बार खोल लेते हैं, ये मेरा आउटलुक अकाउंट खुल गया मेरा, ठीक है। इसमें इनबॉक्स जो है सब कुछ इसमें आ जाएंगे आपका। इसमें मेन एडवांटेज जो मैंने इस वीडियो को शुरुआत में बताया था वो क्या है, इसमें आपका कोई भी अगर ये मेल करने के लिए अगर आपका क्या बगैर इंटरनेट का ऑफलाइन भी आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कि आप कंपोज करके मेल को कंपोज करके इसमें सब कुछ कर सकते हैं। मेल कंपोज करने के बाद सारे इसमें आपको बाद में जैसे जैसे भी आपका नेट इंटरनेट आएगा उस टाइम में चला जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सारे मेल अभी सेटअप हो गया, सारे इनबॉक्स आपका इसी में आ जाएगा। अब देखिएगा मेरा सब कुछ आ गया, सॉरी। तो इसमें आपका सारे इनबॉक्स मेल सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, अप टू डेट सारे आ जाएंगे। आपका दो सेटअप इसमें करना पड़ेगा, अगर आपको बाई चांस नहीं हो रहा तो उसमें दो मिस्टेक की वजह से नहीं हो सकता है, वो क्या है, एक बार आपका मेल आईडी खोल लीजिएगा, ठीक है। इसमें जाके यहाँ पे गूगल अकाउंट में चलिएगा, गूगल अकाउंट में जाके यहाँ पे एक लेस सिक्योर अप्स, मतलब लेस डालते ही आएगा लेस सिक्योर अप एक्सेस, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे अलो लेस सिक्योर अप्स ऑन करना पड़ेगा ये टैब, क्योंकि अगर ये ऑफ रहेगा तो वहाँ पे आपका वो सेटअप होगा नहीं, तो ये है। और दूसरा आपको इसमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाके
गियर आइकन में जाके सेटिंग्स में चला जाइएगा, अभी लोडिंग हो रहा है। जैसे सेटिंग्स में जाके फॉरवर्डिंग पी ओ पी आई मैप में जाके एनाबल यहाँ पे क्लिक करना है, एनाबल पी ओ पी ऑल मेल इवन मेल दैट्स ऑलरेडी बीन डाउनलोडेड। अगर पहले भी अगर डाउनलोड भी हो चुका तो वो भी मेरे को इस आई मैप में चाहिए। तो यहाँ पे भी पी ओ पी में भी कर लिया और एनाबल आई मैप में यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहले कर रखा था इसलिए मेरा वहाँ पे सारे मेल्स आ गया। सेव चेंजेस करके फिर अब यहाँ पे करेंगे तो आपको भी सब कुछ आ जाएगा। मेरे टिल डेट तक सारे मेल्स मेरे इसमें आ ही गया। और यहाँ पे आप न्यू मेल करके अगर इसमें भाई अभी तो नेट इसमें है, अगर नेट अगर मैं बंद भी कर लूँगा डिस्कनेक्ट कर लूँगा, मैंने अभी नेट डिस्कनेक्ट कर लिया ठीक है। अगर अभी इसमें मैं सारे मेल देख सकता हूँ, इसके लिए मेरे को कोई भी वो नहीं चाहिए कि मेरे को ये देखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है। अब इसके अलावा अगर इस मेल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जो भी अगर जैसे कि ये है इसमें प्रीव्यू फाइल सब कुछ आ जाएंगे। वो किस में खोलना है वो पूछ रहे हैं, मैं ये कर लेता हूँ ठीक है। ये सारी चीज़ आपका हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट्स सारे जो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।